ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट के नीचे तीनों प्राधिकरण के खिलाफ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तीनों प्राधिकरण में बैठे अधिकारी जबरदस्त भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के नाम पर उनकी जमीनें तो ले ली गई हैं, लेकिन उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि जिले में उद्योग लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते युवा बेरोजगार होने को मजबूर है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार को जल्दी जागर करेंगे। किसानों को समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी समस्याओं का निपटारा करना चाहिए। आगे बातचीत करनी चाहिए प्रशासन को इनसे, और हमारी पूरी निगाह जहां जहां पे भी आंदोलन चल रहे हैं, वो चाहे ग्रेटर नोएडा में हो, वो चाहे बागपत में हो, वो सहारनपुर में है या इलाहाबाद में चल रहे हैं, जहां पे भी आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं, हरियाणा में कई जगह आंदोलन चल रहे हैं, तो हम सब जगह निगाह रखते हैं। बगैर प्रोग्राम के मीटिंग को भी हम रात बिरात दिन किसी भी टाइम वहां पे जा सकते हैं और उन लोगों से बैठ के बातचीत कर सकते हैं।